हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे मुगल सम्राट बाबर के बारे में। तो सबसे पहला यूनिक क्वेश्चन आपके सामने है कि मध्यकालीन इतिहास का पहला युद्ध जो कि जल और थल दोनों पर लड़ा गया, तो ऐसा युद्ध था जो कि बाबर और महमूद लोधी के बीच हुआ था, घाघरा का युद्ध। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। कब हुआ था? 1529 में। दोस्तों आज की वीडियो में एक ऐसी ट्रिक भी बताने वाला हूँ जिससे बाबर के द्वारा लड़े गए सभी युद्ध आपको याद हो जाएंगे। बाबर के पिता किस वंश के थे तथा माता किस वंश से बिलोंग करती थी? तो ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी ने 2023 में। और बात करें पिता की तो वो तैमूर वंश से बिलोंग करते थे और माता थी चंगेज खान वंश से। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट हो जाएगा। और यहाँ से एक क्वेश्चन ये पूछा गया था, जो गुलबदन बेगम है वो किसकी पुत्री थी? तो वो थी दोस्तों बाबर की पुत्री। बाबर के पिता का नाम की बात करें तो वो कौन है? उमर शेख मिर्जा। शत्रुओं को परास्त करने के लिए उत्तर भारत में बारूद के प्रयोग को किसने प्रचलित किया था? तो वो प्रचलित किया था बाबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन कि खानवा का युद्ध बाबर और किसके बीच में लड़ा गया था? तो 1527 में ये युद्ध हुआ था किस किसके बीच में? बाबर और राणा सांगा के बीच में, जिसमें जीत हुई थी किसकी? बाबर की। दोस्तों जिस ट्रिक की मैं बात कर रहा था वो अब आपको बताता हूँ। तो ट्रिक ऐसे एक काल्पनिक कहानी बनाएंगे कि भाई साहब बाबर एक दिन डिसाइड करता है कि हम कहीं बाहर रेस्टोरेंट में खाना खाने जाएंगे। तो 26 तारीख को वो अपने घर से निकलता है। अब रेस्टोरेंट काफ़ी दूर था और उस समय गाड़ी भी नहीं होती थी, तो 26 तारीख को जब वो ट्रेवल कर रहे थे उसको लगती है प्यास, तो वो पानी पिएगा। अगले दिन जब वह पहुंचता है 27 तारीख को रेस्टोरेंट में, तो वो खाना खाता है। अब जैसे ही खाना खा लिया भाई, काम कंप्लीट, अब वो वापिस चल देते हैं 28 तारीख को, और 29 तारीख को वो अपने घर पहुंच जाते हैं। लेकिन जैसे ही 30 तारीख को वो देखता है कि उसकी हालत खराब है, किसी ने उसके खाने में जहर मिला दिया और उसकी मृत्यु हो जाती है, तो आप रिलेट कर पाएंगे। 26 में उसने पानी पिया था, यानी 1526 में पानीपत का युद्ध, 1527 में खानवा का युद्ध, 1528 में चल यानी चंदेरी का युद्ध, 1529 घर यानी घाघरा का युद्ध, और 1530 में वह मर गया। तो कैसी लगी आपको ट्रिक? खानवा के युद्ध के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? तो बाबर ने उपाधि धारण की थी गाजी की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। अब छोटी सी भाषा में समझाता हूँ गाजी क्या होता है। जैसे मानो कि बाबर था मुसलमान, मानते हो, जब तक अगर वो गैर मुसलमान को नहीं मारेगा वो गाजी की उपाधि धारण नहीं कर सकता। अब आपको याद होगा उसने लड़ाई लड़ी थी राणा सांगा के खिलाफ, जो कि एक हिंदू था, उसको मार दिया यानी उसको हरा दिया, उसके बाद में ही गाजी की उपाधि धारण की थी। यानी गैर मुस्लिम को मार डालना ही गाजी की उपाधि कहलाता है। बाबर ने किस युद्ध में जिहाद का नारा दिया था? जिहाद का मतलब है भगवान से रिलेट करना या धर्म के नाम पे युद्ध करना। तो किसके बाद में ये नारा दिया था या किस युद्ध में? तो वो युद्ध था खानवा का युद्ध। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। बाबर का जन्म कब हुआ था? दोस्तों ये क्वेश्चन ध्यान रखना, क्योंकि इससे संबंधित आगे क्वेश्चन पूछा जाएगा। और इसका जन्म हुआ था 1483 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल राइट है। किस मुगल शासक ने मुसलमानों को तमगा नामक कर से मुक्त कर दिया था? दोस्तों ये जो तमगा नामक कर है ये किस पे लगाया जाता था? एक व्यापारिक कर था जो कि अपने राज्यों से वसूला जाता था, और इसको समाप्त किसने करा था? बाबर ने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। निम्नलिखित में से कौन 1528 में चंदेरी में बाबर के हाथों से पराजित हुआ था? तो चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 में, और किसकी हार हुई थी इसमें? मेदिनी राय की। ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि
कि बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ, यानी बाबर के बाद में मुगल की गद्दी पर कौन बैठा था, तो वो थे हुमायूं। हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में जहांगीर। तो ये सीरीज भी आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबर के चार पुत्रों में से सबसे बड़ा कौन था, तो सबसे बड़ा वही था जो गद्दी पे बैठा, वो था हुमायूं। ऑप्शन नंबर चार बिल्कुल राइट है। उज़्बेकों, जिनको एक तौर पे मंगोल दल बोला जाता था, उनके आक्रमण के कारण किसे बाध्य होकर अपनी पैतृक गद्दी छोड़नी पड़ी, तो वो थे कौन? बाबर। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा, तो ये आपको पता चल गया इनकी आत्मकथा कौन सी थी, बाबरनामा, जिसको तुजुक ए बाबरी के नाम से भी जाना जाता था, तो उसमें किसको भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक बताया था बाबर ने? तो भाई साहब, सबसे शक्तिशाली शासक था कौन? कृष्णदेव राय। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। और ये किस भाषा में लिखी गई थी? तुर्की भाषा में। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन पूछा है कि भाई साहब, बाबरनामा लिखी गई थी तुर्की में, उसका फारसी में अनुवाद किसने किया था? तो वो किया था अकबर के नौ रत्नों में से एक अब्दुर रहीम खाने खाना ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट है। पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी? तो 1526 में बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच यह लड़ाई लड़ी गई, जिसमें बाबर जीत गया। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। बाबर ने पहली बार तुलुकमा युद्ध नीति एवं तोपखाने का प्रयोग किस युद्ध में किया था? यह नीति यानी किस प्रकार से सेना युद्ध लड़ेगी वो, और तोप का किस प्रकार यूज करा जाएगा, सबसे पहले इसका प्रयोग किया गया था किसमें? पानीपत के पहले युद्ध में, जो कहाँ पे हुआ था? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि पहला मुगल शासक कौन था, यह भी पूछा जाता है। बाबर है जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी। तो आपसे ये पूछा गया है कि बाबर ने कब फरगान राज्य का उत्तराधिकार संभाला था, जब वह मात्र 12 साल के थे? तो थोड़ी देर पहले हमने बात किया कि इसका जन्म कब हुआ था, 1800 कब हुआ था, 83 में। तो जब वह 12 साल का हो जाएगा तो उसकी उम्र क्या होगी या कितनी होगी? तो वो साल होगी 1494 की, जब वह फरगान की गद्दी पे बैठा था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? उससे पहले ये जान लीजिए, भारत पर टोटल 5 बार आक्रमण किया था बाबर ने, और पहली बार किया था 1519 में। बाबर का शासन काल कब से कब तक चला था? तो भाई साहब, शुरुआत होती है 1526 से और 1530 तक ये शासन करते हैं। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट है। 1530 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनको सबसे पहले दफनाया जाता है आगरा के आराम बाग में, लेकिन कुछ दिनों बाद में इनको अपनी इच्छा के अनुसार, यानी इनकी इच्छा थी कि इनको काबुल में दफनाया जाए, तो अफगानिस्तान के काबुल में दफनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब इसी से संबंधित एक और क्वेश्चन है कि बाबर का मकबरा कहाँ पर स्थित है? तो अभी आपको बताया, काबुल में है। ऑप्शन नंबर वन बिल्कुल राइट हो जाएगा।